हाय नमस्कार किसान भाइयों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे खेती किसान यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं एक और नई वीडियो लेकर आ गया हूं आपके पास। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि सोनालिका DI-50 कितनी ताकत लगाकर बखर करता है और कैसा बखर करता है हम दिखाएंगे आपके लिए। तो ये देखिए, ट्रैक्टर बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। थोड़ा स्लिप हो रहा है, क्या है कि पानी गिर गया था तो मिट्टी जो है गीली है। और पीछे की ओर डबल पार्ट डले हैं, पहला पार्टा जो है वो गाटर का है, लोहे का है, और ऊपर जो पार्टा है वो लकड़ी का है। तो दो पार्टे लगे हुए हैं बखर में और ट्रैक्टर बहुत ही आराम से चल रहा है, ना ही ज़्यादा तेज़ है और ना ही ज़्यादा धीमा है। और इसकी कैपेसिटी की बात करें तो आपको ये ट्रैक्टर 50 HP में देखने को मिल जाएगा और इसमें 50 से 55 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाएगा। और बखर भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहा है और इसमें खेत में करीब 3 से 4 बार बखर फिर चुका है। और क्या है कि पहले पल्टी प्लाव चला था तो डी में जो है अच्छे तरीके से फूटे नहीं हैं, तो इसलिए 2 से 3 बार बखर फिर रहा है। और इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात करें तो आपको 1800 kg की लिफ्टिंग कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी। और इसकी जो लिफ्ट है वो ज़्यादा उठती नहीं है। यदि आप उबड़ खाबड़ जगह में लेकर जाते हैं तो बखर जो है फंसने का डर रहता है, जैसे कि खेत के मेड़े वगैरह हुए तो वहाँ ट्रैक्टर तो निकल जाएगा लेकिन बखर जो है फंस जाएगा। तो इस वजह से इसकी लिफ्ट जो है थोड़ी और ऊंची होनी चाहिए थी। और यदि इस ट्रैक्टर के इंजन की बात करें तो इंजन इसका बहुत ही पावरफुल इंजन देखने को मिल जाएगा। तो आप किसी भी थ्रेसर या ट्रॉली वगैरह किसी में भी इस ट्रैक्टर को आप चला सकते हैं और हैवी वर्क के लिए भी ये ट्रैक्टर बहुत ही बढ़िया है। और खेत में अभी 3 बार बखर हो चुका है और किसान भाइयों से यही अनुरोध है कि यदि आपने प्लाव किया है और ऊपर से पानी गिर चुका है तो आप बखर ना करें, थोड़ा सूख जाए उसके बाद ही बखर करें। इससे क्या होगा कि मिट्टी के जो डीमे हैं वो जल्द से जल्द फूट जाएंगे और गीले में वो फूटते नहीं हैं। तो ये देखिए, 3 बार होने के बाद भी मिट्टी कुछ ऐसी है। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से राम राम।